अब हम इसमें डालेंगे दही आधी कटोरी दही मैंने लिया है दही को अच्छे से मैश कर लिया है हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका कार्डियो किचन में मेरा नाम है मनीषा आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थानी मंगोड़ी की सब्जी और इसे हम दही में बनाएंगे पर रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए चलते हैं कढ़ाई की तरफ और शुरू करते हैं मंगोड़ी की सब्जी बनाना राजस्थानी मंगोड़ी की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम मंगौड़ी को तलेंगे इसके लिए कढ़ाई में मैंने पांच टेबल स्पून ऑयल डाला है ऑयल गर्म हो गया है अब इसमें हम डालेंगे मंगोड़ी ये मैंने एक कप मंगोड़ी ली है इसको थोड़ा सा गोल्डन होने तक हम तलेंगे इसको लगातार हमें चलाते रहना है नहीं तो ये नीचे से जल जाएगी और ऊपर से कच्ची रह जाएगी ये मंगोड़ी गोल्डन हो गई है इसका मतलब ये तल गई है अब हम इसको निकाल लेंगे इसको तलने में लगभग एक मिनट का समय लगा है मंगोड़ी को मैंने निकाल लिया है अब इसी तेल में हमें सब्जी बनानी है लेकिन ये तेल थोड़ा ज्यादा है तो इसको हम कम कर लेंगे सब्जी बनाने के लिए हमें एक ही टेबल स्पून ऑयल चाहिए होगा ये कढ़ाई में एक टेबल स्पून ऑयल हमने छोड़ा है ऑयल हमारा गर्म ही है अब इसमें सबसे पहले डालेंगे जीरा ये जीरा मैंने एक टी डाला है इसको चलाएंगे अब इसमें डालेंगे लसन अदरक का पेस्ट ये दो टीस्पून हम डाल रहे हैं इसको थोड़ा सा चलाएंगे अब इसमें डालेंगे प्याज मैंने एक प्याज लिया है और उसको कद्दूकस कर लिया है अब इसको इसमें मिलाएंगे और लगभग एक मिनट तक इसको भुनेंगे ये प्याज भुन गए हैं इसको लगभग दो मिनट लगे हैं अब हम इसमें डालेंगे हल्दी वन फोर्थ टी लाल मिर्च हाफ टी स्पून गरम मसाला हाफ टी स्पून और दरदरा पिसा हुआ धनिया दो टी स्पून साथ में हम मिलाएंगे हींग दो पिंच इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम इसमें डालेंगे दही आधी कटोरी दही मैंने लिया है दही को अच्छे से मैश कर लिया है अब इसको हमें लगातार चलाते रहना है नहीं तो दही फट जाएगी अब इसको हम तेल छोड़ने तक लगातार चलाते रहेंगे मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है मतलब मसाला पक गया है अब इसमें हम डालेंगे स्वादानुसार नमक नमक हम लास्ट में डाल रहे हैं क्योंकि दही जो होती है वो फटने के चांस होते हैं इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इस मसाले को पकने में लगभग चार से पांच मिनट का समय लगा है अब इसमें हम डालेंगे आधा कप पानी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसमें मिलाएंगे मंगोड़ी मंगोड़ी को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे ये मंगोड़ी अच्छे से मिक्स हो गई है साथ ही सभी जो इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं उसकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे 10 मिनट बाद इसको हम चेक करेंगे 10 मिनट हो गए हैं हम सब्जी को चेक कर लेते हैं इसमें अभी थोड़ी कसर है अभी ये नहीं पकी है इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और लगभग आठ से दस मिनट इसको और पकाएंगे लगभग दस बारह मिनट हो गए हैं हम सब्जी को चेक कर लेते हैं ये देखिए ये मंगोड़ी थोड़ी थोड़ी गल गई है मतलब ये बनके तैयार हो गई है अभी हम इसको थोड़ा सा इस तरह से दबाकर पीसेंगे इसको हमें ज्यादा नहीं पीसना है बस थोड़ा थोड़ा दरदरा करेंगे इसको मैंने दरदरा पीस लिया है मंगोड़ी को हमने पहले नहीं पीसा है इसको हमने लास्ट में पीसा है इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है ये मंगोड़ी की सब्जी बनकर तैयार हो गई है अगर आपको गाढ़ी पसंद है तो इस तरह से आप खा सकते हैं लेकिन मुझे थोड़ी सी ग्रेवी वाली पसंद है इसलिए मैं इसमें आधा कप पानी मिला रही हूं अब इसमें एक उबाला आने देंगे सब्जी में अच्छे से उबाला आ गया है ये बनकर तैयार हो गई है अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको एक बॉल में निकाल लेंगे इसको बनने में लगभग पच्चीस मिनट का समय लगा है मंगौड़ी की सब्जी को मैंने बॉल में निकाल लिया है अब इसको मैं धनिया से गार्निश कर दूंगी ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आज मैं मेरी फ्रेंड जिनका चैनल माँ बेटी रसोड़ा के नाम से है उनके 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने की उनको बधाई देती हूँ साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल क्लिक करें थैंक यू